सो आप लोग अब अगर घर बैठे अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको गूगल में सर्च करना है, यानी UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करना है या फिर हिंदी, जो भी आपको आता हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऐड आएगा, इसे हमको कर देना है रिमूव। तो ऐड रिमूव करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड आधार ऑप्शन आएगा, डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। देन दोबारा से वही इंटरफेस आएगा थोड़ा चेंज होके, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, जिससे आपको समझ में आएगा। देन इस तरह का वेलकम टू माय आधार ऑप्शन आएगा नीचे आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का, तो डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड आधार पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आधार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी, तो यहाँ पे हम आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे। तो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा फिल हुआ है, सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा। देन उस OTP को नीचे आपको इंटर OTP वाले ऑप्शन पर फिल कर देना है। देन इंटर OTP वाले ऑप्शन पर फिल करने के बाद यहाँ पर मैं वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो OTP कॉपी करने वाले वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड होने के बाद आपको एक काम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे लॉगिन करना है। तो इस तरह से आपका डाउनलोड होगा। देन थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा लोडिंग हो रहा है। देन जब तक डाउनलोड ना हो तब तक आप लोग बैक मत करिएगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ टाइम में। देन वेट करना है, देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है, मतलब कि डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऊपर से जो नोटिफिकेशन बार है उसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड वाला जो फाइल है, नीचे डाउनलोड वाला फाइल है, इस फाइल पे हमें क्लिक कर देना है। इस फाइल पे क्लिक करना है, PDF हमें व्यू कर लेना है। देन इस पर एक पासवर्ड लगाया, तो कैसे पासवर्ड ओपन करेंगे, जैसे आपका नाम कोई सा भी 4 अक्षर नाम का और लास्ट वाला जो एज है 2002-2003 ए डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 4 कैपिटल लेटर में देना चाहिए आपको, 4 अक्षर अपने नेम का एंड एज आपको डाल देना है, लास्ट ईयर का ईयर आपको डालना है। देन आपका जो आधार में हो वही डालना है और अनलॉक हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग भी आधार डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।